सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है 17 वेब सीरीज एंड मूवीज जो ओटीटी और थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं 5 नवंबर के एक दिन में ही। और ये एक दिन थिएटर और ओटीटी दोनों के हिसाब से ही बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जहां थिएटर्स में बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड पॉलीवुड मीन्स पंजाबी इंडस्ट्री की टक्कर होने वाली है, वहीं ओटीटी पे भी ढेर सारा कंटेंट आ रहा है नेटफ्लिक्स पे और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें से एक भी सीरीज या मूवीज मिस करने वाली नहीं है। ज्यादातर बेस्ट वाली है, कुछ एवरेज को छोड़ के। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। नंबर 17 पे है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और पॉलिश में रिलीज हो रही पहली इंडो पॉलिश मूवी, जिसकी रिलीज डेट 5 नवंबर है लेकिन अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुई है, जो एक एक्शन पैक्ड लव स्टोरी है, जिसमें ईस्ट इंडिया का एक लड़का जो पोलैंड में स्की चैंपियनशिप में पार्ट लेने के लिए जाता है और वहीं का होके रह जाता है, मतलब उसे उसका प्यार नजर आता है पोलैंड की एक गोरी के अंदर, तो इसके आगे उसकी मुश्किलों भरी जिंदगी शुरू होती है। इस मूवी के ट्रेलर में बढ़िया क्वालिटी एक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी इसकी रिलीज डेट को लेकर दो डेट सामने आ रही है, एक है जो 5 की और दूसरी है 17 जून 2022 की, तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि अभी रिलीज हो रही है या अगले साल। जंग आग की तरह फैलती है, पर चाहे वो कितनी भी तेजी से क्यों ना चले। नंबर 16 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब बेस्ट ट्रू क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज नार्कोस मेक्सिको का सीजन 3, जो 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है। इस बार उम्मीद है कि सही में हिंदी डब हो, नहीं तो लास्ट के दो सीजन आधे हिंदी और आधे स्पेनिश में थे। और इस बार की कहानी उस मेक्सिकन ड्रग कार्टल की कहानी को ही आगे बढ़ाने वाली है, और इस सीजन 3 में एक्शन तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के सीजन 3 को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुकी है और एक साथ कई लैंग्वेजेस में रिलीज की जा रही है। हम यहाँ 7,000 साल पहले आए थे, इंसानों को डीवियंट से बचाने। नंबर 15 पे है मार्वल्स की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी एटर्नल्स, जो 5 नवंबर को ओनली थिएटर्स में और इंडिया की ढेर सारी लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है। और ऑडियंस माने या ना माने, लेकिन मार्वल्स ने पहले ही मान लिया है कि ये उनकी सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी होने वाली है, जिसमें एंजेलिना जोली के साथ साथ और भी बाकी हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स दिखने वाले हैं। और इस बार के विलन्स भी सुपर विलन्स के बाप होने वाले हैं, मींस पहले की मूवीज में एक साइड सुपर हीरो होते थे, अभी आए हैं उन सुपर हीरोज के बाप एटर्नल्स, जो थानोस के खत्म होने के बाद की कहानी को दिखाने वाले हैं। और इन एटर्नल्स का कहना है कि वो सुपर हीरोज के बाप हैं, तो वो सुपर विलन्स के बाप के साथ ही लड़ेंगे, जिनसे लड़ना सुपर हीरोज के बस की बात नहीं है। इसलिए धरती और इंसानों को बचाने डिवीन या डिवाइन जो भी है वो एलियन प्राणी से वो धरती पे आए हैं, और ये एटर्नल्स भी उनसे लड़ने के लिए दोबारा से आए हैं वापस धरती पे। अभी इसके बाद एक और मूवी आएगी एटर्नल्स का पास्ट दिखाते हुए, जिसमें ये दिखाएंगे कि एटर्नल्स की शुरुआत कैसे हुई। मानना पड़ेगा कि मार्वल्स का दिमाग धांसू तरीके से चलता है, लोगों की जेबों से कैसे पैसा निकालना है इनको बहुत अच्छे से मालूम है। One, it's time to put our dad in a home. And two, we're having a threesome. Wow, I think both of those things are for the best. Number 14 पे है Netflix की English animation adult web series Big Mouth का season 5, जो 5 नवंबर को Netflix पे only English में release होने जा रही है। और मैंने बोला adult तो normal वाली adult नहीं, सच्ची मुच्ची वाली 18 plus series है, means मुच्ची मुच्ची वाली, जिसे बच्चों से तो दूर ही रखें। इसलिए इसे हिंदी डब भी नहीं किया गया है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं है। तो जिनकी इंग्लिश बढ़िया है वो एंजॉय करें इस सीरीज को, और बाकी भूल जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है छोटे, तुमसे ना हो पाएगा। चलो अभी आगे बढ़ो मेरे साथ। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की पहली वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जिसपे आपको सारी वीडियोस और जो भी वीडियोस हैं उनकी सारी लिस्ट देखने को मिलेगी, जिस वेबसाइट का नाम है lockdownentertainment33.wordpress.com। विक्टिम का हुलिया प्राइम मिनिस्टर जैसा है। स्टेक, तुम वहां सबसे पहले पहुंचे थे। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब क्राइम थ्रिलर मर्डर इन्वेस्टिगेशन वेब सीरीज द अनलाइकली मर्डरर, जो 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब और इंग्लिश में रिलीज हो रही है, जिसकी कहानी बहुत बढ़िया और अलग टाइप की होने वाली है, जिसमें एक देश के प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो जाता है और मर्डर का इकलौता गवाह है एक बंदा, जिसने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की लाश को देखा। पूछताछ करते हुए कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन ये केस खिंचता ही जा रहा है उस गवाह के कारण, और गवाह को अपनी न्यूज और टीवी पे अपनी पॉपुलैरिटी पसंद आ रही है, तो वो कहानी को खींचते ही जा रहा है। और कहानी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली, ट्रेलर से बहुत बढ़िया लग रही है, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए।
अमेरिका के लोगों में शुक्रवार की रात से ही बड़ा गुस्सा है, क्योंकि शुक्रवार की शाम को एक 13 साल की लड़की जिसका नाम ग्यारह डेम्ब्राजियो है अचानक लापता हो गई। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की एक और हिंदी डब क्राइम थ्रिलर वेब मूवी यारा, जो भी 5 नवंबर को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज हो रही है, जिसमें कहानी होगी किडनैपिंग एंड इन्वेस्टिगेशन की। जब एक 13 साल की लड़की को एक दिन किडनैप कर लिया जाता है तो उस पूरे टाउन में हफड़ा तफड़ी मच जाती है। पहली बार ऐसे किसी लड़की को किडनैप किया जाता है और पुलिस भी कुछ खास कर नहीं पा रही है। तो क्या होता है आगे और पुलिस क्या करती है और उस टाउन में रहने वाले लोग क्या करते हैं, सब चीजें इस मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। नंबर 11 पे है एक सच्ची इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी जीरो टू हीरो, जो 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे चाइनीज और इंग्लिश में ही रिलीज हो रही है, और कहानी होने वाली है एक डिसेबल्ड एथलीट की, जिसने गांव की गलियों में भागते गिरते हुए पैरा ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई और फिर वहां भी सिस्टम से लड़ते हुए आखिर में अपनी जीत पक्की की और करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया कि जब कोई बंदा फिजिकली डिसेबल्ड होके भी इतनी मेहनत के साथ गोल्ड मेडल जीत सकता है तो हम तो अच्छे भले हैं, उठिए और कुछ कीजिए। विक्टर जी, व्हाट इज दिस? आप एक यंग स्टार हो, जवानी की जोश, आप कुछ बोलता क्यों नहीं? अकेला बल। नंबर 10 पे है हिंदी क्राइम मिस्ट्री वेब मूवी M3 मींस मैन मेडन मर्सनरी, जो 5 नवंबर को बिग बैंग के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली हिंदी मूवी है, जिसमें कहानी है एक आदमी की जो नए शहर में रहने आता है और घर में अकेला ही रहता है, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार और पड़ोसियों से भी बात नहीं करता, तो सबको उस पे शक होने लगता है कि ये बंदा इतना अजीब क्यों है, और फिर वो मिलता है एक लड़की से, जिसके बाद काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे इस मूवी में। बाकी इस मूवी में दिखाया जाएगा कि वो कोई आतंकवादी है या दिमागी तौर पे कोई बीमार क्रिमिनल, सब शक 5 नवंबर को दूर होंगे इस मूवी में। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली। नंबर 9 पे है हॉलीवुड की बड़ी मूवी इटर्नल को टक्कर देने वाली बॉलीवुड की बड़ी मूवी सूर्यवंशी, जिसका ट्रेलर पिछले साल के शुरू में ही रिलीज हुआ था और मूवी गिरते पड़ते 1.5 साल बाद 5 नवंबर को ओनली थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, और इसमें 3 बड़े एक्टर्स हैं, अक्षय, अजय एंड रणवीर, और उनके ऊपर कैटरीना कैफ का तड़का, और रोहित शेट्टी जी की मूवी है तो महंगी गाड़ियों के साथ साथ अभी हेलीकॉप्टर की भी एंट्री हो चुकी है। और मिस्टर शेट्टी जी इस मूवी की कहानी को सबसे अलग बता रहे हैं कि इसकी कहानी ना तो किसी हॉलीवुड या साउथ की मूवी की रीमेक है और ना ही किसी और मूवी से इंस्पायर्ड है, मींस टोटली ओरिजिनल। अब पता नहीं क्या ऐसा ओरिजिनल होने वाला है इस मूवी की कहानी में। इसका 4 मिनट से ऊपर का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसमें पूरी कहानी ही समझ में आ जाती है कि वही मुंबई पे एक टेररिस्ट अटैक हो रहा है और अक्षय जी अकेले ही शहर को बचाने में लगे होंगे, और जब दुश्मन अक्षय पे भारी पड़ रहे हैं तो साथ देने आएंगे सिंघम एंड सिम्बा। तो इस मूवी की खास बात तो एक ही होने वाली है, वो है एक्शन, और वो भी मेरी ख्वाहिश है जो पूरी तो नहीं होने वाली, कि एक्शन को थोड़ा असली वाला रखना यार, बिना लॉजिक और बिना ग्रेविटी वाला मत दिखाओ, जो इस मूवी में तो पूरी नहीं होने वाली, 99% ऐसा लगता है। तो ये वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है, तो इस लिस्ट की बाकी मूवीज एंड सीरीज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखें। तो आज की लिस्ट में इतना ही, बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।